बिहार विधानसभा चुनाव में फिलहाल साल भर का वक्त बचा है, लेकिन कुर्सी को लेकर एनडीए के दोनों प्रमुख दलों में घमासान मचना शुरू हो गया है। कल तक बिहारी राजनीति में छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली बीजेपी की महत्वाकांक्षा जाग उठी है। अब सिर्फ सत्ता में भागीदार नहीं बल्कि कुर्सी की दावेदारी भी चाहिए। कुर्सी पर दावेदारी को लेकर बयान भी तेजी से आने लगे हैं। सोमवार को बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान ने यह कहकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया कि अब जेडीयू को बिहार की गद्दी भाजपा को सौंप देनी चाहिए। इतना ही नहीं, पासवान ने दो कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को अब केंद्र की तरफ जाना चाहिए। मतलब साफ है कि अब सत्ता की भागीदारी से अलग कुर्सी की जिम्मेदारी भाजपा लेने पर अड़ गई है। बता दें कि 2005 से 2012 तक और फिर 2016 से अब तक बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार चलती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के अभी तक के आंकड़े यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जेडीयू ने बीजेपी को हमेशा कमतर आंका है, लेकिन मोदी लहर का असर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलने लगा है। आखिर बीजेपी के उत्साह की वजह क्या है जो सत्ता की भागीदारी से ऊपर उठते हुए कुर्सी की दावेदारी ठोक रही है? इसे ऐसे समझिए, पूरी बात समझने के 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू को मिले वोट प्रतिशत पर गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ 23.58% वोट और 17 सीटें लाकर टॉप पर रही, वहीं जनता दल यूनाइटेड 21.81% वोट और 16 सीट लाकर दूसरे नंबर पर रही। जेडीयू मान रही है कि यह वोट उनका है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि यह मोदी के लहर का असर है, ना कि नीतीश के काम या व्यक्तित्व का। अब जरा 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर कीजिए, जहां 29.4% वोट लाकर भाजपा टॉप पर थी, वहीं जेडीयू 15.8% वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही। जेडीयू 2014 में अकेली लड़ी थी। अलबत्ता जब जेडीयू ने विधानसभा चुनाव में राजद के साथ गठबंधन किया तो यही आंकड़े बदल गए, लेकिन विडंबना देखिए कि राजद के साथ जेडीयू बहुत दिनों तक चल नहीं सकी। फिर अपने पुराने साथी के साथ नीतीश कुमार के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। अब 2020 में फिर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से मोदी फैक्टर हावी होता दिखने लगा है। लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी जेडीयू को लगातार आंखें दिखा रहे हैं। अब समझ लीजिए कि इन आंकड़ों के आधार पर बीजेपी नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं।